एक सड़क जो कई गांव को जोड़ती है, लेकिन लगभग 20 सालों से इस सड़क को पक्का नहीं किया जा सका है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को पालकी में बैठा कर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। ये सड़क है श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली स्वाहन कटिरड़ पंगवाना सड़क। ये लगभग 6 किलोमीटर लंबी है। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक किसी भी सरकार ने इस सड़क की सुध नहीं ली। लोगों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन अगर उनकी सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो वह कोई कड़ा फैसला लेने को मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस सड़क का कार्य जल्द से जल्द किया जाए और कई वर्षों से चली आई ग्रामीणों की मांग को पूर्ण किया जाए। मेरा नाम सतनजीव है जी। मैं डोलरे का रहने वाला हूँ और जी जो या पंगवाना और कटिरड़ के लिए रास्ता है, ये सबसे ज़्यादा कच्चा है और इसको कम से कम सड़क को बनी हुई 15 साल हो गए। जब बरसात आती है तो मैं बरसात में ये बहुत ज़्यादा बह जाता है, इसमें कोई गाड़ी चल नहीं सकती। अगर कोई मरीज बीमार हो जाए तब उसे पालकी में ले जाया जाता है। यहाँ की कम से कम 1500 है। 1500 बात दिए जी। हाँ जी, ये रास्ता बने को, इस रास्ते का कोई सुधार नहीं हो रहा है आज तक, समझे ना जी। 10 साल शर्मा जी भी रहे, ठाकर रामलाल जी भी रहे, हमारे तो गरीबों को यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा हैं। अगर हमारे कोई मरीज भी हो जाता ना तो उसे हमें यहाँ चढ़ाई देख रहे हैं आप, समझे, झील किनारे से आना पड़ेगा ऊपर पक्के रोड को, तो ये जनता कैसे जिएगी। इस जनता का सुधार होना चाहिए। कौन कौन से गाँव पड़ते हैं इस रास्ते? यहाँ पड़ता है जी कटिरड़, बाघ, मेला, अपना पंगवाना, सीधा पंगवाने से चल गया झील पर क्रॉस होकर जानी पखर जी। उन लोगों को पूछना भाई क्या हाल है इस रोड का। कितनी की आबादी है टोटल? आबादी तो महाराज होगी कम से कम 1200-1200 के करीब। 1200-1200 की आबादी है। हाँ, 7 किलोमीटर एरिया पड़ता है सुवान से पंगवाना। पंगवाना तक? हाँ जी। बने इसको? हाँ, 30 साल हो गए जी। ये सर आम जनता की समस्या है और ये तो देखनी पड़ेगी। ये राजनीति में फंस के रह गया रोड, ना इधर ना उधर, पक्का होना चाहिए और आम लोगों को दिक्कत बहुत है। कितने साल हो गए जी बने इसको? इसको 25-30 साल के करीब तो हो गया जी। जी जी जी, तो वो दिक्कत बरसात में दिक्कत ज़्यादा आती होनी चाहिए। बरसात में तो गाड़ी जाती ही नहीं है ना इधर। जी जी, अगर आज भी बारिश पड़ जाती है सारी ट्रैफिक बंद हो जाती है। आबादी कितनी है जी साइड? आबादी तो बहुत है जी। 3-4 पंचायतें कितनी है जी? 3-4 पंचायतें पड़ जाती हैं। सुवान है, इधर तलवाड़ है जी। जी, पहले सुवाणा पंचायत ही बहुत बड़ी है जी। जी, फिर टरवाड़ा अलग होगी। लोगों को दिक्कत बहुत है जी। जी, और पक्के रोड तक आने के लिए अगर गाड़ी वाला 1000 रुपये ले लेता है जी, कोई 2000 मांगता है। बताइए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नैना देवी से राकेश गौतम की रिपोर्ट।